वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र में हम अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक देख रहे हैं। प्रथम श्लोक के पश्चात हमें ये ज्ञात होता है कि दुर्वासा ऋषि आश्रम में आते हैं और वह द्वार पर आकर के और आवाज लगाते हैं कि कोई है, मैं याचक हूँ। शकुंतला अन्य मनस्का है, इसलिए उसका ध्यान ऋषि की वाणी पर नहीं गया। फलतः ऋषि कुपित हो गए, उन्होंने शकुंतला को शाप दे दिया कि तुम अनन्य भाव से जिस व्यक्ति का स्मरण करती हुई उस सन्यासी का तिरस्कार कर रही हो, समय आने पर वह व्यक्ति तुम्हें भूल जाएगा, जैसे कोई पागल पूर्व की कही गई बातों को भूल जाता है। फिर अनसुया और प्रेमदा दोनों सखियों ने जब यह सुना, उन्हें जब ज्ञात हुआ, तो उन्होंने ऋषि को बहुत अनुनय विनय पूर्वक उनसे क्षमा याचना की और कहा कि यह तो अनर्थ हो गया। तो ऋषि ने कहा कि मेरा श्राप तो व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, मैं इसमें इतनी सी ढील दे सकता हूँ, छूट दे सकता हूँ कि यदि यह अपने पति को पहचान की कोई वस्तु दिखाएगी तो वह इसे स्मरण कर लेगा, इत्यादि इत्यादि ये सारी घटनाएं होगी। ये विष्कंभक है, ये चतुर्थ अंक के प्रारंभ की घटनाएं हैं। उसके बाद है ततः प्रविशति सुप्तोत्थित शिष्य, उसके बाद सोकर के जगा हुआ शिष्य प्रवेश करता है। शिष्य वेलोप लक्षणार्थम आदिष्टोस्मि तत्र भवता प्रसादाद पावृत्तेन काश्यपम। काश्यप यानी महर्षि कर्ण सोम तीर्थ से लौट आए हैं और उन्होंने अपने विद्यार्थी को यह आदेश दिया है कि कितनी वेला कितनी रात्रि शेष है यह पता करो। प्रकाशम निर्गतस्तावद अवलोकयन, प्रकाश तो निकल गया है, देखता हूँ प्रकाश में निकल कर कि कितनी रात्रि शेष है। परिक्रम में अवलोक घूम कर और देख कर वो कहते हंत प्रभातम, अरे प्रभात हो गया, सवेरा हो गया। यह तथा ही जैसे अब श्लोक देखिए, यात्येकतो अस्त शिखरम पतिरोषधीना आविष्कृतो अरुण पुरः सर एकतो अर्पः तेजो द्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यत इवात्म दशांतरिक्ष। एकतः औषधीनां पतिः अस्त शिखरम याति, एकतश्च अरुण पुरः सरः अर्कः आविष्कृतः तेजो द्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोकः आत्मदशान्तरेषु नियम्यते। बहुत अच्छा श्लोक है, देखिए कहते हैं कि एकतः यानी एक ओर औषधीनां पतिः, औषधीनां पतिः कहते हैं चंद्रमा, औषधियों का पति, एक तरफ तो चंद्रमा अस्त शिखरम याति, अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। प्रातः काल का समय, उषा काल का समय, चंद्रमा अस्ताचल में जा रहा है। एकतः औषधि नाम पति, एक ओर तो औषधियों के पति चंद्रमा अस्ताचल गामी हो रहे हैं। एकतश्च अरुण पुरः सरह अर्क, और एक तरफ अरुण जिसके आगे है ऐसा सूर्य, अर्क मतलब सूर्य, आविष्कृत यानी प्रकटित प्रकट, एक तरफ तो चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहा है, दूसरी तरफ सूर्य अपने आगे आगे अरुण को करके, अरुण यद्यपि सूर्य का ही पर्यायवाची है, उषा काल में कहते हैं सूर्योदय के पूर्व अरुण अरुणोदय होता है, तो इसलिए कहा कि अरुण को आगे करके अर्क आविष्कृत सूर्य प्रकट हो रहे हैं। फिर तेजो द्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम, ये दोनों तेज है, सूर्य और चंद्रमा तेज स्वरूप, अग्नि के रूप, प्रकाश स्वरूप,
कहा कि तेजो द्वयस्य युगपत, युगपत अव्यय है जिसका अर्थ होता है एक साथ, दोनों तेजों के यानी चंद्रमा के और सूर्य के युगपत एक साथ, व्यसनोदयाभ्याम, उदय और व्यसन यानी अस्त, एक साथ उदय और अस्त दोनों तेजों का हम दिखाई हमें दे रहा है, तो इसके द्वारा लोक संसार जो है आत्मदशांतरे सुनियम्यते, आत्मदशाओं में अपनी सुख दुख विषयक दशाओं में उत्थान पतन विषयक सांसारिक क्रियाओं में नियम्यते नियंत्रित किया जा रहा है। तात्पर्य यह हुआ, कवि ये कहना चाह रहे हैं कि एक तरफ तो चंद्रमा का अस्ताचल की ओर जाना, दूसरी तरफ सूर्य का उदयाचल की ओर जाना, चंद्रमा अस्त हो रहे हैं, सूर्य उदित हो रहे हैं, दोनों ही तेज हैं, दोनों ही दिव्य ज्योतियां हैं, एक का उदय हो रहा है, एक का अवसान हो रहा है। संसार के लोगों को नियंत्रित करने के लिए मानो विधाता ने इस प्रकार की योजना की है कि मनुष्य को जीवन में सुख और दुख, उत्थान और पतन, व्यसन और उदय दोनों ही स्थितियों में रहना पड़ता है। क्यों? यहाँ उदाहरण के लिए इन्होंने दो महान सत्ताओं, सूर्य और चंद्रमा के उदय और अस्त को दिखा करके यह बताया संसार को कि सुख दुख उत्थान पतन ये सब साथ चलते हैं और इसी में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। ये शिष्य की उक्ति है। और अपिच अंतरहिते शशिनी सैव कुसुम मद्वती मे दृष्टिम नंदयते संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनिता न्यबला जनस्य दुखानि नूनम अतिमात्र सुदुस्सह। शशिनी अंतरहिते साए कुमुदवती संस्मरणीय शोभा मे दृष्टि ननंदय इष्ट प्रवास जनितानि दुखानि नूनम अबला जनस्य अतिमात्र सुदुस्सहानि भवन्ति। शशिनी, शशि कहते हैं चंद्रमा को, सप्तमी का एक वचन। अंतरहिते, हिंदी में जो अंतर्धान शब्द चलता है, बहुत से लोग इस शब्द का सही उच्चारण और सही ज्ञान न होने के कारण अंतर्ध्यान बोलते हैं, वो बिल्कुल अशुद्ध है। शब्द है अंतर्धान, और अंतर्धान से ही अंतरहित बना, छिप जाना। शशिनी अंतरहिते, चंद्रमा के छिप जाने पर, ये भाव है सप्तमी। एक क्रिया के होने पर जब दूसरी क्रिया घटित होती है तो पूर्व क्रिया में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अंतरहिते सप्तमी है, शशिनी कर्ता में भी क्रियापद में सप्तमी। चंद्रमा के अस्त होने पर सा एव कुमुदवती, वही कुमुदनी संस्मरणीय शोभा ऐसी हो गई है जिसकी शोभा केवल स्मरण की जा सकती है। चंद्रमा के उदित होते ही कुमुदिनी खिल जाती है, ऐसे मान्यता है, और चंद्रमा के अस्त होने पर वह फिर मुकुलित हो जाती है, बंद हो जाती है। तो कहा वही कुमुदिनी अब संस्मरणीय शोभा वाली हो गई है और मे दृष्टि ननंदयति, और मेरी दृष्टि को जरा भी आनंद नहीं दे रही। इष्ट प्रवास जनितानि दुखानि, प्रिय व्यक्ति के प्रवास से उत्पन्न दुख नूनम निश्चित रूप से अबला जनस्य अति मात्र सुदुस्सहानि भवन्ति। अबला जनों के लिए, स्त्रियों के लिए अत्यधिक दुस्सह या असह्य हो जाते हैं। जो विरह का काल होता है, मित्रों के प्रवास से उत्पन्न जो दुख है वो निश्चित ही स्त्रियों के लिए अत्यधिक असह्य हो जाता है। प्रविश्य अपटीक्षेपण, यह कह के बिना पर्दा उठाए कोई और प्रवेश कर, अनसूया,